अब इतना उपदेश सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, व्यक्तिनाम मूर्तिनाम प्रोक्तानाम कथम च आभरणानि भवन्ति। जो आपकी अभिव्यक्त मूर्तियां हैं, प्रकट मूर्तियां हैं, उनके आभरणों के विषय में बताइए। कथम वा देवा यजन्ति, और उन मूर्तियों की देवता कैसे पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। कथम रुद्रा यजन्ति, रुद्र किस प्रकार से ध्यान भजन सेवा करते हैं। ब्रह्मा यजति, ब्रह्मा पूजा करते हैं। ब्रह्मजा यजन्ति, ब्रह्मा के जो पुत्र हैं नारद आदि, सनत कुमार आदि, वो किस प्रकार पूजा ध्यान करते हैं। कथम विनायका यजन्ति, किस प्रकार विनायक गण पूजा ध्यान करते हैं। द्वादशादित्या कथम यजन्ति, 12 आदित्य किस प्रकार से पूजा करते हैं। बसवो यजन्ति, 8 बसु किस प्रकार पूजा करते हैं। गंधर्वा यजन्ति, गंधर्व किस प्रकार गान करते हैं, ध्यान करते हैं। सपदानुगा अंतर्धाने तिष्ठन्ति, और जो सपदानुग हैं, जो आपके नित्य सखा हैं, वो अव्यक्त रूप से किस प्रकार आपका ध्यान करते हैं। काम मनुष्या यजन्ति, और किस रूप का मनुष्य ध्यान करते हैं। सहो वाचो तम हि वै नारायणो देव आद्या व्यक्ता द्वादश मूर्तयः सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्ति इति। तो नारायण ने कहा कि हमारी जो आद्य सबसे पहली जो द्वादश मूर्तियां हैं, उन्हीं को सब लोग, सब देवता और सब मनुष्य, सारे लोकों में जो प्रतिष्ठित हैं, उन द्वादश मूर्तियों की ही पूजा करते हैं। रुद्रेशु रौद्री, रुद्रों में मेरी रौद्री मूर्ति है। ब्रह्माणीषु ब्राह्मणी, और ब्राह्मी आदि जो 7 मातृकाएं हैं, ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा बाराही च तथेन्द्राणी चामुंडा सप्तमातर, उनमें ब्राह्मी मूर्ति प्रधान है, उसी की पूजा होती है। देवेशु दैवी, और देवताओं में जो दैवी मूर्ति है, ज्ञानमयी मूर्ति है, उसकी पूजा होती है। मनुष्येषु मानवी, मनुष्यों में जो मानवी मूर्ति है, मन का ईषण करने वाली, मनसा सीव्यति इति मनुष्यः, मन से जो सबके साथ प्रेम संबंध बना लेता है, जैसे भगवान राम की मूर्ति, उसकी पूजा होती है। विनायकेषु विघ्ननाशिनी, और जो विनायक हैं, विशेष नायक हैं, उनमें जो विघ्न विनाशिनी मूर्ति है, उसकी पूजा होती है। आदित्येषु ज्योति, और जो अदिति के पुत्र आदित्य हैं, उनमें ज्योतिष स्वरूप से, तेजस स्वरूप से मेरी पूजा होती है। गंधर्वेशु गांधर्वी, और गंधर्वों में जो गांधर्वी, जो गान कुशल मूर्ति है, उसकी पूजा होती है। अप्सरेषु एवं, अप्सराओं में उसी प्रकार, अप्सरति जैसे पानी नित्य गति करता है, किसी भी आकार को धारण करता है, वह सलिलमयी मूर्ति, वारुणी मूर्ति की पूजा अप्सराओं में होती है। गौर वसु एवं काम्या, गौ वसुओं में गौ रूप से मेरी पूजा होती है। वहां पर गौ ही काम्य है, कामना करने योग्य है। अंतर्धानेषु अप्रकाशिनी, और जो अंतर्धान विद्या में कुशल देवता हैं, वहां पर अप्रकाशिनी गुप्त रूप से ही मेरी पूजा होती है। आविर्भाव तिरोभावा स्वपदे तिष्ठन्ति। आविर्भाव और तिरोभाव ये अपने अपने स्थान में प्रतिष्ठित हैं। राजसी तामसी और सात्विकी, मानुषी, विज्ञान घन
आनंद सच्चिदानंद ही कर से भक्ति योगे तिष्ठति। भक्ति योग में सभी प्रकार की मूर्तियों का ग्रहण है, जैसा जैसा जिसका अधिकार है वो अपने तामसी राजसी और सात्विकी भाव से अथवा मानुषी भाव से विज्ञान घन हो करके सच्चिदानंद घन हो करके एक रस में भक्ति योग में प्रतिष्ठित हैं। ओम प्राणात्मने तत्सत भूर्भुवः स्वस्तस्मै प्राणात्मने नमः। भूर्भुवः स्व तीनों लोकों में जो व्याप्त प्राण है वही प्राणात्मा है, उस प्राणात्मा को यानी क्रिया शक्ति को नमस्कार है। श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय ओम तत्सत भूर्भुवः स्वस्तस्मै नमो नमः। ओम श्री कृष्ण गोविंद गोपी जन वल्लभ वही तत्सत है, वही परम सत्य है, वह भूर्भुवः स्व यानी तीनों लोकों में व्याप्त है, उसको नमस्कार है। ओम अपानात्मने अपान स्वरूप विसर्ग स्वरूप त्याग स्वरूप वही ओम तत्सत है, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, ऐसे अपाना अपानात्मा को नमस्कार है। ओम श्री कृष्णाय अनुरुद्धाय ओम तत्सत भूर्भुवः स्वः। श्री कृष्ण यानी वासुदेव और अनिरुद्ध यानी कि अहंकार यानी ऊपर से नीचे तक वही सत्य है और वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, उसको नमस्कार है। ओम ज्ञानात्मने ज्ञान माने व्यापक सर्व शरीरज्ञ सर्व ब्रह्मांडात्मक वही सत्य है, वही सत्य है तत्सत वही सत्य है। भूर्भुवः स्वः वह त्रिलोक व्यापी है, तस्मै ज्ञानात्मने नमः। श्री कृष्णाय रामाय ओम तत्सत भूर्भुवः स्वः। जो श्री कृष्ण है वही श्री राम है, श्री राम माने बलराम वही सत्य है, वही भूर्भुवः स्वः है, उसी को नमस्कार है। उदानात्मने ओम तत्सत। और जो उदान जो उत्क्रमण करने वाला है जिससे परलोक में गति होती है वही सत्य है, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, उस उदानात्मा को नमस्कार है। श्री कृष्णाय देवकी नंदनाय ओम तत्सत। और ये सगुण साकार हो करके देवकी नंदन बन जाते हैं, वही सत्य स्वरूप हैं, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है। ओम समानात्मने और जो समीकरणात्मक समन्वयात्मक जो केंद्र स्थान में नाभि स्थान में विराजमान है वही सत्य है। ओम तत्सत भूर्भुवः स्वः वही तीनों लोकों में व्याप्त हैं, उन समानात्मा को समीकरणात्मक परमात्मा को नमस्कार है। श्री गोपालाय निजस्वरूपाय और ये गोपाल ये इनका निजस्वरूप है, इंद्रियों के वेदों के भूमि के पालक वही सत्य है, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त है, उनको बारंबार नमस्कार है। योऽसौ प्रधानात्मा प्रधानात्मा माने प्रकृत्यात्मा, प्रकृति को प्रधान कहते हैं सांख्यवादी लोग, सांख्यवादियों ने उसका नाम रखा है प्रधान, तो वो प्रधानात्मा भगवान वही सत्य हैं, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। यो असौ इंद्रियात्मा गोपाल और जो इंद्रियात्मक हैं इंद्रिय स्वरूप से अभिव्यक्त हैं ज्ञान कराने के साधन रूप से वही सत्य हैं, वही भूर्भुवः स्व में व्याप्त हैं, उनको नमस्कार है। ओम योऽसौ भूतात्मा गोपाल और जो गोपाल भूतात्मा बन गए हैं
पंचभूत रूप से प्रकट हुए हैं, अभिव्यक्त हुए हैं, वही परम सत्य हैं और वही भूर्व स्व में व्याप्त हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। यो असौ उत्तम पुरुषो गोपाल, और जो अक्षर और अक्षर से अतीत यानी कि पंचभूत और सूक्ष्म शरीर जीवात्मा से भिन्न जो उत्तम पुरुष गोपाल हैं, वही सत्य हैं, वही भूर्व स्व में व्याप्त हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। यो असौ ब्रह्म परम वै ब्रह्म, और जो सर्वोत्कृष्ट सर्वसाक्षी सर्व गुणों से अतीत जो ब्रह्म है, वही परम ब्रह्म है, वही सत्य है, वही भूर्व स्व है, उन्हें नमस्कार है। यो असौ सर्वभूतात्मा गोपाल, और जो सब प्राणियों के अंतरात्मा है, वही सत्य है, यही भूर्व स्व स्वरूप है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। ओम जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय तुरीयातीतो अंतर्यामी गोपाल, यहाँ पर पांच अवस्थाओं से अतीत गोपाल को बताया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति यानी के विश्व तेजस और प्राज्ञ और तुरीय इन सबसे अलग चौथा और तुरीयातीत उससे भी ऊपर यानी कि अत्यंत सूक्ष्म अंतर्यामी जो गोपाल हैं वही सत्य हैं, वही भूर्व स्व में व्याप्त हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, एक ही देव एक ही ज्ञान, क्योंकि दिवि द्योतने धातु है उसके अनेक अर्थ हैं, स्वप्न माया ईशन ऐसे 10 अर्थ बताए हुए हैं। वही देव ज्ञान स्वरूप सर्वभूतों में गूढ़ है यानी सर्व चैतन्यात्मक है, और वो चैतन्य सर्वव्यापी है, सर्वभूतों का सर्व प्राणियों का अंतरात्मा है, वही कर्मों का अध्यक्ष है, वही सर्वभूतों का अधिष्ठान है, वही साक्षी है, वही चैतन्य है, वो केवल माने अद्वितीय है और निर्गुण निर्विशेष है। उन्हीं की ये सब मूर्तियां हैं, उन्हीं मूर्तियों को बारंबार नमस्कार करते हैं। रुद्राय नमः, आदित्याय नमः, विनायकाय नमः, सूर्याय नमः, विद्यायै नमः, इंद्राय नमः, अग्नये नमः, यमाय नमः, निर्ऋतये नमः, वरुणाय नमः, वायवे नमः, कुबेराय नमः, ईशानाय नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इस प्रकार दत्त्वा स्तुतिं पुण्यतमां ब्रह्मणे स्वस्वरूपिणे कर्तृत्वं सर्वभूतानां अंतर्धानो बभूवस, नारायण ने एक बहुत बड़ा स्तोत्र ब्रह्मा जी को बताया, और वह ब्रह्मा भी उन्हीं के अपने स्वरूप हैं, ब्रह्मणे स्वस्वरूपिणे। इस प्रकार से पुण्यतमाम स्तुतिम दत्वा, जो परम पुण्यतम परम पवित्र स्तुति है, वो अपने ही स्वरूप ब्रह्मा जी को उन्होंने निदर्शन किया, बताया, समझाया, और ये सब करके अंतर्धानो बभूव, और सर्वभूतानाम कर्तृत्वम दत्वा, सारे जगत की सृष्टि करने का सामर्थ्य देख करके नारायण अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मणे ब्रह्मपुत्रेभ्यो नारदात्तु श्रुतम मुने, अब दुर्वासा मुनि राधिका जी को वो गांधर्वी को बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को सनत कुमार आदि को दिया, और सनत कुमार ने नारद को ये सब बताया, और नारद से मैंने सुना। हे गांधर्वी, वही विद्या मैंने तुम्हें सुनाई है, अब तुम अपने घर जाओ। और भद्रम करने भी कह करके शांति शांति करते हैं, आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक तीनों प्रकार के तापों की शांति हो। हरि ओम तत्सत। गोपाल उत्तर तापिनी उपनिषत् समाप्ता। हरि ओम।